हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 4 का एपिसोड नंबर 9। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था क्लिफोर्ड डिवो ने अपनी असली पहचान बैरी को बता दी थी, ये चैलेंज करते हुए कि अगर बैरी डिवो को रोक सकता है तो रोक कर दिखाए। और इसी के साथ हमने आगे देखा था बैरी और आयरिस की शादी भी अब हो चुकी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी को अब आगे बढ़ाते हैं एपिसोड नंबर 9 के साथ, जिसकी शुरुआत स्टार लैब से होती है। चूँकि कल क्रिसमस ईव होता है, सिस्को, डॉक्टर हैरिसन, वेल, कैथलीन सभी स्टार लैब को डेकोरेट कर रहे होते हैं। तो वहीं पर सिस्को भी जिप्सी को रात को होने वाले क्रिसमस पार्टी पर इनवाइट करता है मैसेज के जरिए। तो दूसरी तरफ अब सुबह सुबह उठते ही बैरी और आयरिस एक्साइटेड होकर अपनी शादी में मिले गिफ्ट्स को देख रहे होते हैं। तभी उन्हें एक बॉक्स में चाकू मिलता है, जिसे पकड़ कर बैरी थोड़ा वियर्ड फील करता है कि शादी में आखिर चाकू कौन गिफ्ट करता है। अब आगे हमें डिवो के घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पर डिवो और मार्लिस कोई बड़े से एक प्लान को अंजाम देने की बात कर रहे होते हैं, जिस पर अब हम मार्लिस को देखते हैं, जो कि उस प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार तो होती है, पर साथ में वो इमोशनल दिखाई पड़ती है। तो फ्रेंड्स, अब आखिर इन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है, ये तो हमें एपिसोड के आखिर में मालूम चलेगा। अब आगे के सीन में शाम के वक्त कैथलीन और डॉक्टर हैरिसन वेल जीटर कैफे में क्रिसमस पर स्पेशल कॉफ़ी इन्जॉय कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एम्यूट आ जाती है, जिसे देख पूरे कॉफ़ी शॉप में भगदड़ मच जाती है। जहाँ पर एम्यूट बिना अपना वक्त गवाए बस आकर कैथलीन को किडनैप कर अपने साथ लेकर चली जाती है। तो दूसरी तरफ जब बैरी आयरिस के साथ क्रिसमस की शॉपिंग कर लौट रहा होता है, तभी यहाँ पर डिवो आ जाता है अपने असली रूप के साथ और बैरी को किडनैप कर यहाँ से अपने साथ लेकर चला जाता है। जिसके बाद आयरिस और डॉक्टर हैरिसन वेल दोनों ही भागते हुए स्टार लैब पहुँचते हैं और अपने अपने साथ इस घटना को एक्सप्लेन करते हैं, जिसे सुन सभी यहाँ पर काफ़ी घबरा जाते हैं। और आयरिस यहाँ पर परेशान होते हुए सिस्को को बैरी को वाइप करने बोलती है, जहाँ पर सिस्को चाह कर भी बैरी को वाइप नहीं कर पाता है, जिसे देख अब यहाँ पर सभी सैटेलाइट का इस्तेमाल कर अब बैरी और कैथलीन को ढूंढने में लग जाते हैं। तो ये दूसरी तरफ बैरी की जब आँख खुलती है तो वो खुद को डिवो के एक सीक्रेट रूम में पाता है, जिसे कि इंडिविजुअल रेड लाइट के भीतर कैद कर रखा हुआ होता है, जिसे बैरी निकलने की पूरी कोशिश करता है पर वो निकल नहीं पाता कि तभी यहाँ पर डिवो आ जाता है। अब आगे इन दोनों की कोई खास बातचीत हो ही पाती कि तभी यहाँ पर इस हॉल में लगे मॉनिटर पर इन्हें जोय और डॉक्टर हैरिसन वेल दिखाई पड़ते हैं, जो कि इस वक्त डिवो के दरवाजे पर खड़े होते हैं, जिसे देख अब यहाँ पर डिवो नॉर्मल कपड़ों में अब जोय से मिलता है, जहाँ पर जोय डिवो से बैरी के बारे में पूछता है, जिस पर डिवो हंसता हुआ इसे बातों में उलझाकर वापस से भेज देता है, जिसके बाद कि अब उदास जोय और डॉक्टर हैरिसन वेल वापस से स्टार लैब आ जाते हैं। अब दूसरी तरफ हमें कैथलीन को दिखाया जाता है, जिसे कि एम्यूट एक बंद पड़े हॉस्पिटल में लाकर एक घायल लड़की को दिखाते हुए बोलते हैं, ये लड़का मेटा है जिसके लिए मुझे अब तक के सबसे ज़्यादा रकम का ऑफर मिला है, पर यह लड़का बहुत जिद्दी है, मेरी कंट्रोल में आ ही नहीं रहा था, तो गलती से मैंने इस पर अटैक कर दिया और मेरे हाथ के मेटल का एक टुकड़ा इस लड़के की गर्दन में फंस गया है, जिसे अगर जल्द से जल्द नहीं निकाला गया तो ये लड़का शायद मर जाएगा। अब चूंकि कैथलीन एक डॉक्टर थी, एम्यूट चाहती थी कि कैथलीन इस मेटा यानी कि डोमिनिक की सर्जरी कर इस मेटल के टुकड़े को इसके गर्दन से निकाल दे, और अगर कैथलीन ने ऐसा करने से मना किया तो एम्यूट कैथलीन और डोमिनिक दोनों को ही अपने हाथों से मार डालेगी, जिसे सुन अब यहाँ पर कैथलीन डर कर एम्यूट की बात मान लेती है, जिसे देख एम्यूट यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर चली जाती है। अब इस बीच डोमिनिक से कैथलीन को पता चलता है डोमिनिक भी उस दिन उसी बस में मौजूद था, जिसके 12 पैसेंजर स्पीड फोर्स से निकले डार्क मैटर के कारण मेटा बने थे, और डोमिनिक के पास टेलीपैथी की एबिलिटी होती है, वो आसानी से किसी का भी दिमाग पढ़ सकता है। अब आगे यहाँ पे डोमिनिक और कैथलीन साथ मिलकर प्लान बनाते हैं एम्यूट के कैद से बाहर निकलने का। तो इधर स्टार लैब में आयरिस को भी कैथलीन की लोकेशन मिल जाती है, जिसे देख अब यहाँ पर कैथलीन को बचाने के लिए सिस्को और डिबनी निकल पड़ते हैं। तब इधर कैथलीन एजा अपने प्लान एम्यूट के सामने डोमिनिक का सर्जरी कर मेटल का टुकड़ा निकाल देती है, तभी यहाँ पर डोमिनिक मरने का नाटक करने लगता है। तब एम्यूट घबराई से डोमिनिक के नज़दीक पहुँचती है, तभी यहाँ पर कैथलीन फौरन ही बेहोश होने वाली दवा हवा में उड़ाती है, जिससे कि कुछ देर के लिए एम्यूट और उसके गार्ड वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। तब मौका पाते ही डोमिनिक और कैथलीन इस हॉस्पिटल से भाग कर सड़क पर निकलती है। अब इन दोनों के यहाँ भागने के क्रम में उधर एम्यूट को भी होश आ जाता है और वो बाहर आकर इन दोनों के अब सामने आकर खड़ी हो जाती है और गुस्से में इन दोनों को बस अब मारने ही वाली होती है कि तभी यहाँ पर बीच में डिबनी आकर एम्यूट का वार खुद पर ले लेता है, कि तभी यहाँ पर सिस्को यहाँ एम्यूट पर वार कर उसे कमज़ोर कर देता है और फिर ब्रिज ओपन कर फौरन ये चारों यहाँ से भाग निकलते हैं।
तो दूसरी तरफ डिबो जब वापस से बैरी के पास आता है, बैरी उसके कैद से गायब होता है, जिसे देखकर अब डिबो यहाँ पर चौंक जाता है। तभी यहाँ पर बैरी डिबो के सामने आकर हंसता हुआ बताता है, माना कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, मेरी शक्तियों को कैसे कंट्रोल करना है ये भी तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है, पर मेरी एक खासियत तो तुम भूल ही गए, मैं अपनी सुपर स्पीड से वाइब्रेट कर मुश्किल कैद से भी बाहर आ सकता हूँ। और इतना बताकर बैरी यहाँ पर डिबो के हाथ पकड़ इस पर अटैक करने सोचता है, जिसे देख डिबो यहाँ पर अपनी व्हील चेयर में एक बटन को प्रेस करता है और वो सीधा टाउन में पहुँच जाता है, जहाँ पर बैरी भी डिबो के व्हील चेयर में ही लटका होता है। जहाँ पर अब हम डिबो को देखते हैं जो कि वापस अपने व्हील चेयर में लगे वायर से बैरी को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसे कि बैरी अपनी पूरी ताकत के साथ उखाड़ देता है। अब इस वायर के उखड़ते ही डिबो के व्हील चेयर की पावर खत्म हो जाती है और उसमें आग लग जाती है, जिसे देख बैरी डिबो के व्हील चेयर को छोड़ देता है। जिसके बाद अब यहाँ पर इन दोनों की पानी में क्रैश लैंडिंग होती है, जहाँ पर बैरी के सूट में बने फ्लोटिंग मोड के कारण बैरी तो पानी के ऊपर ही रह जाता है, पर डिबो सीधे अपने व्हील चेयर के साथ पानी के अंदर चला जाता है। तब घबराया हुआ पहले तो बैरी डिबो को पानी में चेक करने के बजाय स्टार लैब में अपने दोस्तों के पास पहुँचता है और उन्हें सारी आप बीती बता देता है, जिसके अब अगली सुबह जब फ्लैश टीम पानी में डिबो को ढूंढने जाते हैं, वहाँ पे उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। जिसके बाद जो डिबो के घर जाता है तो वहाँ भी पूरा घर खाली होता है। अब इस तरीके से अचानक से डिबो और मार्लिस को गायब होता देख फ्लैश टीम को ऐसा लगता है डिबो डर कर यहाँ से कहीं भाग गया है। तब फ्लैश टीम यहाँ पर सुकून के साथ आज रात क्रिसमस पार्टी इंजॉय करने का मन बनाते हैं, जहाँ रात के वक्त सभी जोय के घर पर इकट्ठा होते हैं, जहाँ पार्सल के जरिए अर्थ 19 से सिस्को के लिए भी एक क्यूब बॉक्स आता है, जिसे देख सभी चौंक जाते हैं कि जिप्सी ने सिस्को से ब्रेकअप कर लिया। अब ये देख सिस्को भी उदास हो जाता है और उदास होकर जैसे वो क्यूब बॉक्स के मैसेज को प्ले करता है, उसमें ब्रेकअप नोट के बजाय जिप्सी उसमें शॉर्ट ड्रेस पहने सिस्को के लिए एक रोमांटिक सा मैसेज डाल कर रखी होती है, जिसे देख यहाँ पर अब सभी हंसने लगते हैं। तभी यहाँ पर डोमिनिक भी इसके पार्टी में शामिल होता है, जिसे कैथलीन ने इनवाइट करी थी, जिसके कुछ देर बाद बैरी को उसके अपार्टमेंट से सिक्योरिटी अलर्ट मिलती है, जिसे देख बैरी फौरन ही अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है, जहां पर अब बैरी को डोमिनिक का कॉल आता है, जिसमें अब डोमिनिक बैरी को बताता है, मैंने तुम्हारी शादी पर जो गिफ्ट दिया था तुमने उसके बारे में मुझे बताया नहीं कि तुम्हें कैसा लगा, जिसे सुन बैरी दंग रह जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स बैरी के शादी वक्त तो डोमिनिक इसके कॉन्टेक्ट में था ही नहीं। तभी यहाँ पर एपिसोड के आखिर में हंसता हुआ डोमिनिक बताना शुरू करता है कि इस डोमिनिक के शरीर पर डिबो ने कब्जा कर लिया है। डोमिनिक जब जोय के घर पर आ रहा था, एम्यूट इसे वापस पकड़ लेती है, और जो शख्स डोमिनिक को एम्यूट से खरीदना चाहता था वो कोई और नहीं बल्कि मार्लिज होती है, जो कि डोमिनिक को अब खरीद कर डिबो के सामने रख देती है, जहाँ पर अब डिबो अपने कमजोर शरीर को छुटकारा पाते हुए डिबो अपने व्हील चेयर में लगे डिवाइस से अपना दिल और दिमाग दोनों ही डोमिनिक में डाल देता है, और फिर इस तरीके से डिबो पूरी तरीके से डोमिनिक के शरीर पर कब्जा कर लेता है और फिर अपने पुराने मरे शरीर पर चाकू मारकर उसे बैरी के घर पर रख देता है, ताकि सभी को ऐसा लगे बैरी ने क्लिफोर्ड डिबो की हत्या कर दी है। आगे अब ऐसा ही होता है, सीसीपीटी से कैप्टन सिंह आकर रंगे हाथ बैरी को गिरफ्तार कर लेता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स अब आगे बैरी क्या खुद को निर्दोष साबित कर पाएगा या नहीं, ये देखने के लिए तो आप हमारे चैनल पे यूँ ही बने रहे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर ले और मेरे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।